नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे, हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता हो या गरुड़ पुराण हो, हमारे धार्मिक ग्रंथों में एकादशी का बहुत ही महत्व बताया गया है। प्रत्येक महीने में दो एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस तरह से एक साल में 24 एकादशियां आती हैं और ये सारी एकादशियां हमारे जीवन के सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने हेतु आती हैं। हमको इसके बारे में जानना है और हम आपको बताएंगे कि आषाढ़ मास में कौन सी एकादशी आ रही है और व्रत कैसे करें, पारण का शुभ समय क्या है। इससे पहले, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। 2022 में योगिनी एकादशी 24 जून दिन शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत को रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी व्रत रखने से मनुष्य के सारे पाप इसी जन्म में नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी स्त्री पुरुष योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 23 जून दिन गुरुवार के दिन रात को 9:41 पर ही प्रारंभ हो जा रही है और शुक्रवार को 11:12 पर समाप्त हो रही है। इसलिए हम एकादशी व्रत का पालन शुक्रवार के दिन ही भारत करेंगे। के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी के बारे में बताया है कि जो भी स्त्री पुरुष इस एकादशी व्रत का पालन करेंगे, उन्हें उनके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और मृत्यु के पश्चात ऐसे व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। एकादशी व्रत के पारण का समय है 25 जून दिन शनिवार को सुबह में 5:41 से लेकर 8:11 तक। अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।